रहमान रहीम। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की असाइनमेंट है, इसको किस तरीके से असाइनमेंट नंबर दो है, इसको किस तरीके से आप फिल करेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में जो इसकी किस चीज़ के हैं इंट्रोडक्शन और क्या है क्या नहीं, इसके अंदर ये आप ऊपर अभी लिंक आ रहा होगा, उसके अंदर आप देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर SEO की फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद यहाँ पे लर्निंग आउटकमिंग के बता रहे हैं कि इसकी इस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करने के बाद आप क्या सीख लोगे और किस काबिल हो जाओगे। इसके बाद सिनेरियो यहाँ पे दिया हुआ है और कंसीडर द होम पेज और digiskill.pk वेबसाइट एंड आइडेंटिफाई विद इफ द साइट मैप है। यहाँ पे अपने अनुसार बता देता हूँ आपके, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप digiskill.pk की कोई भी वेब यानी कि इनकी जो वेबसाइट है .pk, तो इसके जो यहाँ पे ये जो लिंक दिया हुआ है www.digiskill.pk/sitemap.xml, तो ये आप गूगल में या कहीं भी आप सर्च करेंगे, ये आप लिंक उठाए और लिंक उठा के जब आप इसी तरह यहाँ पे सर्च करेंगे, ये पहले से मैंने आपके लिए सर्च करके रखा हुआ था कि आपको टाइम ज़ाया ना हो, तो यहाँ पे आप कॉपी पे यहाँ पे वहाँ पे से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सर्च करेंगे तो इस तरीके के आपके पास एक पेज ओपन हो जाएंगे। तो इसके आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज और प्लस PRT पिक्चर और डिलीट के साथ वाला बटन है पिक्चर का, वो आप दबाएंगे तो इंशाल्लाह आप स्क्रीनशॉट यहां से ले। तो ये जो यहां पे पेज है तो ये पूरे के पूरे पेज की आप कॉपी नहीं करनी, सिर्फ आपने स्क्रीनशॉट लेनी है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको वर्डप्रेस के डॉक्यूमेंट के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे बेहतर है कि आप इसके टाइटल दे दो, हेडर ये दे दो कि digiskill.pk साइट मैप, जो स्क्रीनशॉट लिया था तो ये मैंने पेस्ट कर दिए यहाँ पे, वहाँ ये पेस्ट कर दिए हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टास्क की तरफ। तो ये यहाँ तक जो है, जहाँ तक मैं अभी हेडलाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ तक तो हमारे काम मुकम्मल हो गया। अब दूसरा है जनरेट न्यू साइट मैप फॉर digiskill.pk यूजिंग द ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर टूल IE.DOT। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक नया साइट मैप अपने तैयार करना है, क्रिएट कहते हैं न्यू से तैयार करना, जनरेट कहते हैं जो बना हुआ है उसको दोबारा से आपने सेट करना। तो ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है http://www.xmlsite.com। तो यहाँ से आप लिंक कॉपी करेंगे, लिंक कॉपी करने के बाद आप वहाँ पे गूगल के अंदर जाएंगे, कहीं भी जाओ आप ब्राउज़र, आप ये जो भी आप सर्च इंजन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर पेस्ट कर दें। पेस्ट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने सिंपल ये लिखना है, जो भी आपने वेबसाइट निकालनी है, जैसे सर ने लेक्चर नंबर 80 के अंदर बताए हुए हैं, अगर आपको यहाँ से समझना है तो लेक्चर नंबर 80 देख लीजिए, वहाँ से आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। तो XML sitemap.com की वेबसाइट आप ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप digiskill के लिंक दीजिए और लिंक देने के बाद आप ओके कर दें। ओके कर देंगे तो यहाँ पे रनिंग के कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पे इतना कंप्लीट होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इतना, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी दबा दीजिए। इतना वेट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ब्लू कलर का जो बार आ रही इस पर क्लिक करेंगे व्यू साइट मैप डिटेल, तो ये यहाँ पे मुकम्मल साइट मैप की डिटेल आपको ओपन करके दे देंगे। यहाँ से आप डिटेल एग्जाम्पल जो डिटेल है एग्जाम्पल की साइट मैप की, तो ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे व्यू फुल में आप देख भी सकते हैं। ये सारी मुकम्मल यहाँ पे लिंक है कि कौन कौन से पेज हैं और कहाँ कहाँ जाके क्रॉल हो रहे वो पेज, ये मुकम्मल। तो आपने क्या करना है कि जब एक तो आप मुमकिन बेहतर है कि आप एक तो इस पेज की आप तस्वीर ले लें, तस्वीर लेके वहाँ पे वर्डप्रेस के डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको ऐड कर दें। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ऊपर आपको मैंने वो दिखाई, नीचे ये मैंने इस पेज की तस्वीर ली हुई है, एक ये है और एक आगे। तो इन पेजेस की आपने तस्वीर लेनी है, उसके बाद आपने अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज़
अंदर ये कन्वर्ट कर लिया था, तो सारा के सारे एक ही पेज बन गया। तो व्यू सोर्स के अंदर एक पेज बन गया था, तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कि उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया था कि एग्जाम्पल साइट के आप स्क्रीन शॉट ले, तो आप स्क्रीन शॉट लेके यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद साइट मैप के एक मैंने अलग से, वो तो मैंने एक ही पेज बनाया होता लेकिन इसके मैंने अलग से एक स्क्रीन शॉट ली हुई है, स्क्रीन शॉट लेके यहाँ पे ऐड कर लें। ये छोटी सी असाइनमेंट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये असाइनमेंट समझ में आई होगी। अगर नहीं आई समझ तो अगर कोई आपके इसके मुताबिक कोई सवाल है तो मुझे बताइए। और अगर इस टॉपिक या आपने टॉपिक नहीं देखा तो आपको टॉपिक नंबर बता देता हूँ कि टॉपिक नंबर 18 के अंदर यानी कि 80, जो टॉपिक वीडियो नंबर 80 है तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसके अंदर सर ने सारा एक्सप्लेन किया हुआ कि साइट में हम कैसे साइट मैप हम कैसे लेंगे, किस तरीके से क्या क्या है तरीके का सारा, वहाँ से आपको सारा मुकम्मल ही मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरकुम अहसनुल जज़ा।